हेलो गाइस, वेलकम टू पिजन यूपीएससी चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे मेरी नई वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके, उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए करेगा। और दोस्तों, वीडियो को देखते हुए लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें। दोस्तों, आज हिस्ट्री का ये पहला वीडियो है। यह एक प्रकार से ट्रायल क्लास है। आप जज कर सकते हैं कि मैं आपको आगे कैसे पढ़ा सकता हूँ, या अच्छा पढ़ा सकता हूँ या नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो आप इससे जज कर सकते हैं। जिसमें दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल के बारे में बताऊंगा, उसमें खिलजी वंश के बारे में। दिल्ली सल्तनत का काल 1200 से लेके 1526 तक रहा है, जिसमें गुलाम वंश सबसे पहले आए, उसके बाद खिलजी वंश आए, उसके बाद तुगलक वंश आए, उसके बाद सैयद, फिर लोदी। इसमें दोस्तों मैं दूसरा आज खिलजी वंश के बारे में आपको बताऊंगा। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसका शासनकाल आपको सामने दिख रहा होगा 1290 से 1296, और ये खिलजी वंश कहलाया। इनके नाम पे, खिलजी के नाम पे खिलजी वंश पड़ा। पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। सुल्तान दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के पहले आए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिर आए अलाउद्दीन खिलजी, फिर आए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। लेकिन ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ये तुगलक वंश कहलाए। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश के शासक, फिर फिरोज तुगलक। उसके बाद आता है सैयद वंश, जिसमें है सबसे मतलब खिज्र खान, जो सैयद वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। फिर उसके बाद आता है लोदी वंश। लोदी वंश में तीन शासक हुए, बहलोल लोदी जो संस्थापक थे, फिर सिकंदर लोदी और फिर इब्राहिम लोदी, जिसमें सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक था बहलोल लोदी। यह पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला इकलौता बहलोल लोदी था। इसमें लगभग 38 ईयर तक इसने शासन किया, जो सबसे अधिक था। तो दोस्तों, जलालुद्दीन JFK यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका शासन था 1290 से 1296। यह मात्र 6 साल तक शासन किया। यह खिलजी वंश का संस्थापक था। इसका राज्य रोहण 13 जून 1290 को हुआ, यानी कि 13 जून 1290 को यह राजा बन गया पूर्ण रूप से। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जो हिंदू के प्रति उदार व्यवहार किया, यानी कि यह पहला शासक था जो हिंदुओं के प्रति उदार व्यवहार किया। इसके पहले जो हिंदुओं के प्रति उदार व्यवहार नहीं करते थे। यह सहिष्णु एवं कड़ी सजा की नीति को न अपनाने का प्रयास किया, यानी यह सहिष्णु था। इसके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासन काल था 1296 से 1316। यह खिलजी वंश का महत्वपूर्ण शासक है। सबसे अलाउद्दीन खिलजी के पिता शहाबुद्दीन खिलजी थे, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भाई थे। 1294 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने और विजय भी हासिल की। उस समय राजा कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1294, क्योंकि 1296 तक
JFK यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासन रहा है 1296 तक। तो 1294 में देवगिरी पर आक्रमण किया और विजयी हुआ। यहीं से इसकी इच्छाएं जागृत हुई राजा बनने की। यहीं से इसकी इच्छाएं जागृत हुई राजा बनने की। फिर सत्ता की इच्छा प्रबल हुई तो इसके लिए JFK यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की इसने हत्या की, यानी 19 जुलाई 1296 में इसकी हत्या कर दी। 21 अक्टूबर 1296 को इसका राज्यारोहण हुआ। कहाँ पे हुआ? पलवन के लाल महल में। कड़ा का शासन करता था, मतलब यह कड़ा शासन करता था, इसका तात्पर्य है कि यह जैसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उदारतापूर्वक व्यवहार करते थे और यह दयालुता पूर्वक नहीं बल्कि कड़ापन से शासन करता था। और इसने भोज यानी जो भी भोज होते थे और जो उत्सव होते थे इसके आयोजन को इसने बंद कर दिया था, एवं शराब एवं नशीले पदार्थ पर इसने रोक लगाती थी पेय पर, एवं इसने एक गुप्तचर व्यवस्था बनाई जो राज्य की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए, और इसने साम्राज्य की विस्तारवादी नीति पर बल दिया जिसमें उत्तर भारत अभियान। इसमें दो प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं, एक अलाउद्दीन खिलजी का जो विस्तारवादी नीति थी इसको दो भागों में बांट कर देखेंगे तो ज्यादा अच्छा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे उत्तर, एक उत्तर भारत की तरफ की जो भी नीति थी और दक्षिण भारत की विस्तारवादी नीति। इसमें उत्तर भारत में सबसे पहले गुजरात, उत्तर भारत में सबसे पहले गुजरात, गुजरात में 1298 ईस्वी में, गुजरात में 1298 ईस्वी में वहां का शासक था राय करण वघेला, और खिलजी का नेतृत्व किसने किया था? उलुग खां एवं नुसरत खां। उलुग खां एवं नुसरत खां, नुसरत खां या खिलजी का नेतृत्व इन्होंने किया था। और इसमें जीत दर्ज हुई। उसके बाद पहला, उसके बाद रणथंभौर, उसके बाद रणथंभौर यह 1301 ईस्वी में, यह 1301 ईस्वी में इसको भी उलुग खां और नुसरत खां ने ही ये अभियान किया। पहले इसमें राणा सांगा ने हमला विफल कर दिया और नुसरत खां मारा गया। तेरह सौ एक ईस्वी में जो रणथंभौर युद्ध हुआ तो इसमें भी उलुग खां और नुसरत खां दोनों ने नेतृत्व किया, और राणा सांगा जो कि यहाँ का शासक था, राणा सांगा ने विफल किया, यानी कि ये युद्ध में नुसरत खां मारे गए। उसके बाद नेतृत्व करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आया, यानी कि इसमें अलाउद्दीन खिलजी स्वयं वो भी आ गया और विजयी हुआ। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है चित्तौड़। चित्तौड़ यह 1303 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में वहां का शासक था रतन सिंह, यहाँ का शासक था रतन सिंह।
इसका नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने किया। चित्तौड़ पर इसने अधिकार कर लिया और उसका नाम खिजराबाद रखा, यानी कि इस पर अधिकार करके इसका नाम खिजराबाद रखा। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है मालवा। मालवा का शासक था महलक देव। मालवा का शासक था महलक देव। किस सन में हुआ था ये? 1305 ईस्वी में। इसका नेतृत्व खिलजी की तरफ से आइनुल मुल्क मुल्तानी ने किया था। महलक देव मांडू भाग गया, जब युद्ध हुआ तो महलक देव मांडू की तरफ भाग गया और मालवा खिलजी साम्राज्य में मिला लिया गया, यानी कि यह भी खिलजी साम्राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद आता है शिवाना, जो परमार वंश का वहां पे शासन था। यहाँ का शासक था शीतल देव। 1308 ईस्वी में हुआ और खिलजी का नेतृत्व कमालुद्दीन कुर्ग ने किया। उसके बाद जालौर, वहां का शासक कान्हदेव कृष्णदेव, दूसरा नाम उसका कृष्णदेव। 1311 ईस्वी में हुआ, इसका भी प्रतिनिधित्व कमालुद्दीन कुर्ग ने ही किया। शासक के भाई मालदेव को खुश होकर चित्तौड़ सौंपा गया, यानी कि जो कान्हदेव के भाई थे मालदेव के से खुश होकर चित्तौड़ को इसे सौंप दिया गया। उसके बाद हम अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत अभियान को देखते हैं। दक्षिण अभियान की बात करें तो सबसे पहले आता है देवगिरी। देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव, यानी 1296 यह हुआ। इसका नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं किया। अब वैसे बाकी सभी दक्षिण का पूरा अभियान मलिक काफूर ने किया था सभी अभियान, जो भी था, जो इसका सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर। यहाँ पर रामचंद्र देव की हार हुई और एलिचपुर प्रांत की आय को देने का फैसला किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य को सौंप दिया उसे। उसके बाद पुनः इसने आय देना जब बंद कर दिया, कुछ समय तक दिया फिर बंद कर दिया। उसके बाद पुनः अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा। तो रामचंद्र देव युद्ध के लिए तैयार हो गया। यहाँ पे रामचंद्र देव की हार हुई। 1307 ईस्वी में यह हुआ। उसके बाद वारंगल प्रताप रुद्र देव। 1309 ईस्वी में वारंगल यह आधुनिक तेलंगाना में स्थित है। आधुनिक तेलंगाना प्रताप रुद्र देव जो काकतीय वंश के शासक थे और हारने के बाद, यानी प्रताप रुद्र देव ने हारने के बाद सोने की मूर्ति और सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर का हीरा मलिक काफूर को दिया और वह मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया। उसके बाद द्वार समुद्र वीर भल्लाल तृतीय जो होयसल वंश के शासक थे। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ युद्ध। इसमें वीर भल्लाल की हार हुई
और वीर भल्ला मलिक काफूर के साथ मिल गया और इसने वीर भल्लाल पांडे शासकों से, जो इसके बाद मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ और मलिक काफूर का इसने साथ दिया, जो पांडे आधुनिक तमिलनाडु के शासक थे। 1311 ईस्वी में पांडे शासकों की हार हुई और इस अभियान से मलिक काफूर को बहुत धन की प्राप्ति हुई और इस अभियान को लूट की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद देवगिरी, पुनः देवगिरी, जब शंकर देव तृतीय 1313 ईस्वी होगा, 1313 ईस्वी, 1311 मलिक काफूर के नेतृत्व में शंकरदेव सिंहर तृतीय मारा गया और देवगिरी अधिकांशतः दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया। यह शामिल होने वाला देवगिरी आखिरी था। और दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के समय क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इतिहासकार कौन था सुप्रसिद्ध, ये कई बार पूछा गया है। जियाउद्दीन बरनी, जो अलाउद्दीन की सुप्रसिद्ध नीति थी बाजार की नीति को इसने बताया है। जो बाजार, इसकी बाजार की नीति क्या थी, इस नीति को तीन प्रकार से इसने लागू किया। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नीति में तीन बाजार स्थापित किए। पहला खाद्यान्नों के लिए एक बाजार, दूसरा जिसमें केवल खाद्यान्नों का मार्केटिंग होता था, दूसरा कीमती वस्त्रों का बाजार और तीसरा घोड़ों एवं गुलामों और पशुओं का बाजार, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को घोड़े बहुत पसंद थे। इस बाजार को नियंत्रित करने के लिए इसने अधिकारियों की नियुक्ति की, जिसे सहाना कहा जाता था। उच्च अधिकारी को सहाना कहा जाता था। भू राजस्व, अगर भू राजस्व की बात करें तो इसके समय में 1/2 हिस्सा, या बोल सकते हैं आधे हिस्से पर तय की गई थी, यानी कि जो भू राजस्व था 1/2 हिस्सा था। जो राजस्व का एकत्रण करने वाला जो अधिकारी था उसे मुस्तक राज नाम दिया गया था। इसके समय के जो दो दरबारी थे, जो कवि थे, एक थे अमीर खुसरो और हसन देहलवी। जो अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया, वह वीड़ा को संशोधित किया। अलाउद्दीन खिलजी के मंत्रिपरिषद की बात करें तो एक जो विभाग है और ये कार्यरत, यानी कि विभाग एक दीवाने वजारत विभाग, दीवाने इंसाफ विभाग, दीवाने आरिज और दीवाने रिसालत। जो दीवाने वजारत है उसको वजीर कहा जाता था, उस पद को वजीर, जो वहाँ अधिकारी था उसे वजीर कहा जाता था। दीवाने इंसा, जो दीवाने इंसा था वो शाही आदेश का उसको पालन करने के लिए बनाया गया था, और दीवाने आरिज सैन्य मंत्री होते थे, और दीवाने रिसालत जो विदेशी विभाग को संभालते थे, विदेशी जो भी होते थे काम उसको संभालने के लिए ये बनाया गया था दीवाने रिसालत। अब वहीं अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारियों की बात करें तो जो सहाना ये मंडी था वो बनाया गया था बाजार के नियंत्रण के लिए, उसका जो अधिकारी होता था अधीक्षक कहलाता था। वही दीवान ए
रियासत एक था जो विभाग में एक था सराय अदल, एक था सराय अदल जो न्याय अधिकारी उसको वो संबंधित था, न्याय न्याय से संबंधित था सराय अदल। बरीद ए मंडी जो बाजार के निरीक्षण से संबंधित था, इसके अधिकारी जो होते थे बरीद ए मंडी के जो अधिकारी होते थे बाजार का निरीक्षण करते थे कि बाजार सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है। एक विभाग था मनहयान, एक विभाग था मनहयान जो गुप्तचर थे, गुप्तचर यह गुप्तचर से संबंधित था। तो दोस्तों खिलजी वंश के प्रमुख इंपॉर्टेंट जो बातों को हमने डिस्कस कर लिया है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा जिससे मेरी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आपके मोबाइल में मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको आसानी से प्राप्त हो सकेगी। थैंक यू।